और चलिए अब आपको सीधे ले चलते हैं चंडीगढ़, जहां पे आम आदमी पार्टी की ओर से अनुराग ढांडा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको सुनवाते हैं। तो ये पता था कि गोल्ड मेडल के लिए विनेश फाइट करने जा रही है और सिल्वर मेडल उसने जीतकर इतिहास रच दिया है, लेकिन इन कुछ नेताओं को, प्रधानमंत्री जी को, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडरशिप को शायद ये पता था कि कुछ और होने वाला है जो कि पूरे देश को नहीं पता था। हमें सबको अगले दिन पता चला कि 100 करोड़ से ज्यादा की संख्या वाले देश को 100 ग्राम की साजिश में उलझा दिया गया। हमको ये जानकर हैरानी हुई, इतना बड़ा देश जिसकी दुनिया में इतनी ताकत है, कहते हैं कि हम विश्व गुरु बनने की तरफ बढ़ रहे हैं, प्रधानमंत्री जी तो रूस की वॉर रुकवाने का दम भरते हैं, लेकिन ओलंपिक में हमारी बहन हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा था, उस अत्याचार को रोकने में विफल साबित हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार। सही तरीके से ना तो उस खिलाड़ी का पक्ष रखा गया, ना सही तरीके से उसे स्टाफ का और बाकी जो सहयोग होना चाहिए था वो मिला। कल से हम ढेर सारे एक्सपर्ट ओपिनियन सुन रहे हैं और वो सारे ओपिनियन ये कहते हैं कि ऐसे तौर तरीके थे जिनकी वजह से अगर वेट संभव नहीं था उस लिमिट के अंदर आना, तो भी सिल्वर मेडल सुनिश्चित किया जा सकता था उस मुकाबले से।